भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे T20 मैच में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके बाद टीम और कप्तान से हुई गलतियां नजर आने लगी। और वाकई में ऐसे कई कारण हैं जिन्होंने भारत की हार में अहम भूमिका निभाई। हम आपको ऐसे ही तीन कारणों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके कारण भारत को एक करारी शिकस्त मिली। हार का पहला कारण रहा टॉस, क्योंकि यह मैच इंडिया में हो रहा था तो टॉस कई हद तक हार जीत के फैसले बदलने में अहम रोल अदा करता है। हमने तीनों ही मैचेस में देखा कि जिस टीम ने टॉस जीता उसने पहले गेंदबाजी ही ली और उन्होंने उस मुकाबले को जीता भी। भारत के मौसम के हिसाब से रात में यहाँ कोहरा हो जाता है और रात के साथ ही कोहरा भी अधिक होता जाता है, जिसके कारण बॉल अधिक गीली हो जाती है, तो जाहिर तौर पर पहले गेंदबाजी करने वाली टीम को अधिक फायदा मिलता है। हार का दूसरा कारण रहा अच्छी लय में दिख रहे ऋषभ पंत का रनआउट। रनआउट कभी भी किसी बल्लेबाज की पारी का सबसे खराब अंत होता है और तीसरे मुकाबले में ऋषभ पंत की पारी का भी ऐसे ही अंत हुआ। लेकिन यहाँ पर गलती ऋषभ की नहीं बल्कि भारतीय कप्तान विराट कोहली की थी, जिन्होंने ऋषभ को एक गलत कॉल देकर रनआउट करवा दिया। और अच्छा खेल दिखा रहे ऋषभ की पारी 64 के स्कोर पर चौथे विकेट के रूप में गिर गई। हार का तीसरा कारण रहा कम गेंदबाज। भारतीय टीम ने तीसरे मैच में ऐसी प्लेइंग 11 खिलाई जिसमें केवल 5 ही गेंदबाजी कर सकते थे और उनके पास कोई भी पार्ट टाइम बॉलर नहीं था, जिसका नुकसान साफ तौर पर मुकाबले में दिखाई दे रहा था। क्योंकि जब इंग्लिश बल्लेबाज युजवेंद्र चहल और शार्दुल ठाकुर की पिटाई कर रहे थे, तब विराट कोहली के पास बॉलिंग करवाने के लिए कोई भी दूसरे हाथ मौजूद नहीं थे और इसका फायदा इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने जमकर उठाया।